हमारी धरती, यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम सब के लिए सूर्य से ही सारी ऊर्जा आती है। इसी ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 25% भाग बादलों और धूल कणों द्वारा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है और लगभग 15% वायुमंडल द्वारा शोषित हो जाता है और शेष का काफी हिस्सा जल चक्र को शक्ति प्रदान करता है। केवल 1% से भी कम पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा धरती की सतह को गर्मी देती है। इसी ऊर्जा से होती है गति पवन में, शक्ति समुद्र की लहरों में। पर सौर ऊर्जा हम तक पहुंचती है तो आखिर किस रूप में? ये हम तक पहुंचती है प्रकाश के रूप में और ऊष्मा के रूप में। एक सीडी लेकर देखते हैं। इस पर प्रकाश की किरणें सीधी पड़ रही हैं और अब नहीं। अंतर पता चला? यदि सौर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करें तो सूर्य के प्रकाश से ही पेड़ पौधे उगते हैं, बढ़ते हैं। पेड़ पौधे, खासकर पत्ते, सौर ऊर्जा को संचय करने का काम लाखों वर्षों से कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। भोजन वास्तव में संचित सौर ऊर्जा ही तो है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, डीजल, ये सभी ईंधन पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के ही जमीन में दब जाने से बने हैं। लेकिन जिस रफ्तार से हम इन्हें खर्च कर रहे हैं, ये सब तो खत्म हो जाएंगे एक दिन। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिक प्रयत्नशील हैं ऊर्जा के विकल्प स्रोतों को ढूंढने में। आइए आज हम चलते हैं एक ऐसे ऊर्जा ग्राम में जहां सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से ही सब काम किए जाते हैं। इन खिड़कियों को जरा गौर से देखिए तो, ये शीशे की हैं, तिरछी झुकी हुई, खड़ी होने की बजाय। तिरछी झुकी शीशे की सतह सीधे खड़े शीशे की सतह से ज्यादा ऊष्मा संचय कर सकती है। आपने कई घरों, अस्पतालों, होटलों में इस तरह के सोलर पैनल यानी सौर पट देखे होंगे। खुली जगह में जहां काफी धूप आती है, ऐसे सौर पट आसानी से रखे जा सकते हैं। इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करके हम इस लालटेन को दिन में चार्ज करके रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सौर सेल कई आकार और साइजों में मिलते हैं। इसमें 18 सौर सेल सीरीज में जोड़े गए हैं। इससे लगभग 9 वाट की ऊर्जा पावर यानी शक्ति मिल सकती है। ये है सौर गीजर। क्या सिर्फ सौर ऊर्जा से पानी भी गर्म किया जा सकता है? शीशे के पट के नीचे तांबे की नलियां होती हैं। ठंडे पानी को इन नलियों से गुजारा जाता है और संचित सौर ऊर्जा से पानी गर्म हो जाता है।
ये है जल चक्र का लघु रूप। पानी चाहे अशुद्ध हो या खारा, इसके द्वारा पानी एकदम शुद्ध और कीटाणु रहित हो जाता है, यानी एकदम डिस्टिल्ड वाटर। सौर ऊर्जा भोजन भी पका देती है। इसे उस जगह और दिशा में रखें जहां सौर किरणें ज्यादा से ज्यादा मिल सकें। इसमें लगे दर्पण के जरिए सौर किरणों को डिब्बे में रखे खाना पकाने वाले बर्तनों पर डाला जाता है। ये डिब्बा और इसमें रखे बर्तन एल्यूमिनियम के बने होते हैं। डिब्बे के अंदर और बर्तनों की बाहरी सतह पर काले रंग की परत होती है, और ये इसलिए क्योंकि काले रंग की सतह दूसरे रंग की सतहों से ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा को शोषित कर सकती है। साधारणतया खाना पकाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान की जरूरत पड़ती है, जो इसमें अनुकूल परिस्थितियों में 2 या 3 घंटे में हो जाता है। लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म खीर। सोलर कुकर का एक बड़ा आकार और रूप सोलर मील मेकर। इसमें 30 से 40 लोगों तक के लिए बन सकता है खाना एक समय में। क्या कमाल की चीज है ये भी, ना तो खर्च ईंधन का और ना ही डर धुएं का। खाने की चीजें सुखाने के लिए सौर ड्रायर। ये है सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप। सौर ऊर्जा से बनी बिजली से चलती है मोटर, जिससे पानी को निचले तल से एक जगह से दूसरी जगह ऊंचे तल तक पहुंचाया जाता है। हैरान ना हो, ये रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है सौर ऊर्जा से। ये है सौर छिड़काव यंत्र, खेतों में कीटनाशक दवाओं के छिड़कने के लिए। और ये है
सौर ऊर्जा की बैटरियां। इन बैटरियों में सौर ऊर्जा से बनी बिजली को संचित किया गया है और उनसे चलते हैं कई उपकरण। वैज्ञानिक सौर ऊर्जा से चलने वाले ऐसे उपकरण बना रहे हैं जिनसे कारें, स्कूटर, यहां तक कि हवाई जहाज भी इस ऊर्जा से चल सकेंगे निकट भविष्य में। अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह अभी तक भेजे गए हैं वो सब सोलर पैनल से ही काम करते हैं। लेकिन ये सोलर पैनल कुछ अलग किस्म के होते हैं जिन्हें बचाना पड़ता है तेज विकिरणों से, जबकि धरती के सौर पैनलों को बचाना पड़ता है धूल से, बारिश से। सूरज तो निकलता है सिर्फ दिन में, मगर रात को क्या करें, तब तो सौर ऊर्जा मिल नहीं सकती। लेकिन कुदरत में इसका भी हल है। पवन तो चलती है दिन में भी और रात में भी। ये है एक पवन चक्की जो पवन की गति से चलती है और जो बच्चों के खेलने वाली फिरकी का ही एक बड़ा रूप है। पवन चक्की में पंखे होते हैं दो या तीन या चार से भी ज्यादा। पवन चक्की से चलाया जा सकता है पानी का पंप। और कई पवन चक्कियों के समूह से बनाई जा सकती है बिजली। आपने गौर किया ऊर्जा ग्राम का वातावरण कितना साफ है? कहीं धुआं नहीं, कहीं गंदगी नहीं। लागत सिर्फ एक बार, फिर मिलती रहती है लगातार ऊर्जा। एक और दिलचस्प बात, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इतनी है प्रकृति में कि ये हमारे लिए खत्म नहीं होने वाली है और इसका इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है। लेकिन एक समस्या है, सौर ऊर्जा धरती पर हर जगह हर मौसम में एक बराबर नहीं आती। आती है तो सिर्फ दिन में, रात में नहीं। पवन भी हर जगह हर समय तेज गति से नहीं चलती। ये कुछ सीमाएं हैं इस ऊर्जा की, पर इन्हें संचित कर रखने के प्रयास जारी हैं।